मेरठ में नाबालिग रेप पीड़िता की मां ने लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार। महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ने थाना ब्रह्मपुरी में तैनात तत्कालीन दरोगा संजीव और अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर बेटी से रेप करने का आरोप लगाया है। महिला की मानो तो आरोपी दरोगा संजीव और तेजपाल नाम का व्यक्ति नाबालिग से रेप के मामले में भी जेल गए थे, लेकिन अब मुकदमा खत्म कराने के लिए उस पर जबरन दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बलात्कारियों ने महिला पर जानलेवा हमला भी किया। हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भोला चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर महिला पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में न तो कोई मुकदमा दर्ज किया और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले की भनक जब मीडिया को लगी तो हड़कंप मच गया। दरोगा की करतूत पर पुलिस अधिकारी को जांच बैठा दी है। वहीं महिला की मानो तो क्योंकि मामला खाकी से जुड़ा है, इसलिए उसे पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में न्याय की गुहार लगाई, साथ ही हमला कराने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियों की अस्तमत को पुलिस वाले ही रौंद रहे हैं और अब तो मुकदमा खत्म कराने के लिए जानलेवा हमला भी करा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले में थाना टीपी नगर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। बस अब ना आने के आपने फोन निकाला होगा? हाँ, मतलब फोन निकाला, मैं कल फोन करूंगी। मैं इनसे कह रही हूँ कि इसने मुझे यहाँ मारने की कोशिश करी, तो ये कह रहा कि मेरी बहन पागल हो चुकी है, मैं इसलिए इसे ले जा रहा हूँ। पब्लिक ने मार दिया थी, यो मार रहा, ये कटा रहा था नीचे से। यो मोबाइल की प्रेस का बोतल ठाकर बगाई हो, बत्ती का तेल की आगे पकड़ी, फिर मरना को बोतल पट्टी कर दी। क्या हुआ आपके साथ? मैं 21 जनवरी को स्कूल में जा रही थी, वहाँ पर 3 लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया। वहाँ से फिर मुझे संभव वहाँ ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करा। उसके बाद मैं ब्रह्मपुरी थाने में पुलिस वाले के पास सौंप दिया। ब्रह्मपुर थाने में जो संजीव डोगरा है, उसने मेरे वहाँ पर रखा पुलिस वहाँ पर पुलिस थाने में, और वहाँ से फिर मुझे होटल में ले गया। वहाँ मेरे साथ उन्हें बलात्कार किया 2 बार। वहाँ से मुझे उन्होंने ट्रेन में बिठा दिया संजीव डोगरा ने। बिठाने के बाद फिर वो उन्होंने मुझे धमकी दी, कहा उन्होंने मुझे वो भी दिया कि वहाँ पे जा गुड़गांव में पता। तो वहाँ से जाने के बाद फिर मुझे जो टीपी नगर के थाने के पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और बरामद कर लिया, अपने साथ ले गए टीपी नगर थाने में। वहाँ फिर मुझे सुबह पूछताछ की गई, मैंने सारी घटना बताई कि 3 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया और संजीव कुमार ने डोगरा ने भी करा, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे से बताने के लिए। फिर मुझे शाम के टाइम बयान होकर मेडिकल हो गया, मुझे घर वालों को सौंप दिया गया। वहाँ से फिर रात के टाइम मुझे मेरे मामा आया यहाँ पे, तेजपाल, तेजपाल को मेरे मामा जो है, क्या है? मेरा मामा रिश्ते का मामा। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे सौंप दिया मामा को। फिर उसके बाद मैं घर आ गया, फिर मुझे अपने साथ ले गया वो गाँव की ठोली तेजपाल। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 10-12 दिन तो ठीक रखा उसके साथ में। फिर उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया और संजू ने भी करा, और मेरी वीडियो भी बनाई और मुझे धमकी दी, बंधक बना के रखा।
उसके पूरे परिवार को पता था। अब क्या हुआ है? अब उन्होंने दबाव बना रहे हैं और मेरी मम्मी को जलाने की कोशिश करी है, मारने की कोशिश करी, मारा है, मम्मी को बहुत चोट लगी है, स्कूल वगैरह अपने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब नहीं जा पाते डर के मारे, कुछ नहीं घर पे, घर पे रहती हूँ। मुख्यमंत्री जी से आप क्या अपील वगैरह करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मदद करे, और जब अगर बच्चों को, जब लड़कियों को ही जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो लड़कियाँ कैसे हो रही, कैसे बचेगी लड़कियाँ, कैसे पढ़ेगी जब बचेगी नहीं? तो आपकी कहीं शिकायत है या रिपोर्ट दर्ज वगैरह कोई नहीं करी जा रही कहीं पर? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मेरा नाम संतोष सैनी है। तुझे क्या घटना? 2017 में मेरी बेटी स्कूल के लिए गई थी और रास्ते में से बेटी का अपहरण कर लिया था। जब हमने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन दो तीन दिन बाद में पता चला कि ब्रह्मपुरी थाने में लड़की को, पुलिस वालों ने लड़की को बरामद कर लिया है ब्रह्मपुरी थाने ने। जब फिर हमें पता, जब लड़की बरामद हो गई वहां से, तो उसने संजीव कुमार दरोगा जो ब्रह्मपुरी थाने के थे, उसने लड़की को ले जा करके किसी अन्य होटल में रख के एक रात होटल में रखा और उसके साथ बलात्कार किया, दो बार बलात्कार किया। फिर उसमें उसने लड़की को रेल में बैठा दिया गुड़गांव के लिए धमकी दे करके। फिर लड़की टीपी नगर थाने की पुलिस लड़की को बरामद कर लाई। उसके बाद में लड़की के बयान हुए, बयान होने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब चीज मेडिकल हुआ लड़की का। फिर लड़की को सपूतगी में तेजपाल जो मेरे ताऊ का लड़का है हमें सौंप दिया गया। दरोगा फरार हो गया, तीन जो व्यक्ति थे वे जेल चले गए। फिर उसमें तेजपाल ने कहा मेरे से कि मतलब हम यो सपूतगी में मैं रखूंगा, लड़की की पैरवी मैं करूंगा, कहीं दरोगा गोली ना मार दे, ये कह करके वो अपने गांव ले गया किठोली। वो मेरे ताऊ का लड़का है, वो जब किठोली ले गया लड़की को वहां से रखा इन्हें 17 दिन बाद में लड़की को मारा पीटा, उसे बंधक बना करके उसके साथ बलात्कार किया। 13 दिन तक लड़की संजू, उसका लड़का संजू ने बलात्कार किया। 13 दिन तक लड़की का कुछ भी पता नहीं चला कहाँ गई। फिर उसमें पुलिस ने संभल से 13 दिन बाद बरामद की। लड़की की हालत बहुत खराब थी, जिसमें कि उसे कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। उस पर पकड़ पकड़ के हमने उसके बयान, जब वो पुलिस बरामद करके लाई महिला थाने में, तब लड़की के बयान हुए जज के सामने। जब उन्होंने, लड़की ने बताया कि मेरे साथ तो उसने तेजपाल ने बलात्कार किया, उसके लड़के ने बलात्कार किया, मुझे कई दिन तक घर में बंधक बना कर रखा गया। अब 2 साल से तेजपाल स्टे पे बाहर है, इसलिए वो हम पे दबाव बना रहा है बार बार कि फैसला ले नहीं तो तुम्हें जिंदा जला देंगे। 31 तारीख को मैं खाना बनाने, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ और घर में खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं अपने घर से, तेजपाल के साथ और कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे? दबाव बना रहे एक पुलिस वाला जो दरोगा है, संजीव कुमार दरोगा, उसकी तारीख थी मेरी बेटी की, उस दिन गवाही थी 31 तारीख में, किसी कारण हमारे घर में डेथ हो गई, इसके कारण हम नहीं जा सके। तो मैं 31 तारीख को खाना बनाने गई थी भोला रोड पे, चौकी के पीछे दोनों बाप बेटों ने मुझ पर हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे काफी चोट आई हुई है। और इस बीच में बहुत खिचखिचाव हुआ, पब्लिक भी इकट्ठी थी, लेकिन थाने चौकी पे कोई भी पुलिस वाला वहां पे नहीं था। मैंने बहुत मदद मांगी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। फिर मैं वहां से अपनी जान बचा के मैंने टीपी नगर थाने को खबर दी, वहां से मेरी FIR लिख, उन्होंने एप्लीकेशन मैंने लिख के दी जो मेरे साथ घटना घटी। उन्होंने फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे मेडिकल में 2 दिन से अस्पताल में भर्ती थी मेरी, वहां से कोई भी पुलिस वाला, कोई भी उसकी कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई और कोई उन्होंने FIR नहीं लिखी। जो मैंने FIR दी थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। मेरे पति से बुला के कुछ भी लिखवा के साइन करवा लिए कि इनकी कोई मारपीट वो नहीं हुई, उस पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ। जबकि मेरे पर हमला हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा कुछ, जब वहां से चौकी के पीछे से खींचते हुए आ रहे थे तो उसमें कुछ फुटेज है जो चौकी की आ रही है, वहां मुजरिम खड़ा है। हाँ जी, बाइक बरामद की, उसके मट्टी के तेल की बोतल बरामद की, ये बात मुझसे खुद दरोगा जी ने कही कि हमने बरामद कर लिया, आप जाओ, इनके 307 में मुकदमा दर्ज होगा, आप पर जानलेवा हमला किया गया है। आज उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी, उन्होंने
आरोपी के साथ कुछ नहीं हुआ, उसे सिर्फ बुलवाया गया वहां से और वहां से जाकर उस पर छोटी धारा में जाकर बाहर से बाहर उसकी जमानत करवा दी उन्होंने। आपने क्या किया हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद? मैंने सब समाज से मदद मांगी, मैंने सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन वो करा। मैं हाथ जोड़ के आज भी यही कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, जब इन बेटियों को जला दिया जाएगा या हमारे साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा करेगा कौन? गरीब आदमी है हम घर से बाहर भी नहीं निकलते डर की वजह से। मेरी बेटी के हालात ये हैं कि 2 साल से मेरी बेटी पढ़ने लिखने नहीं जा सकती, क्योंकि वे जिंदा जला देंगे, धमकी देते हैं मारने की, जान से मारने की। कुछ भी नहीं, कुछ कोई भी पुलिस प्रशासन ने आज तक भी कोई सहयोग नहीं दिया हमें, सब हमें धमकी देते हैं और उल्टी की जाइए, वो पुलिस वाला है, वो कुछ भी करवा सकता है। पुलिस वाले भी ये धमकी देते हैं, वो पुलिस वाला है, उसके खिलाफ खड़े होगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। आईजी डीआईजी सब हमें धमकी देते थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अन्य मुजरिम और भी हैं, जो तेजपाल जिनको लड़की को सौंप का आया था हत्या करने के लिए, जिनमें की लड़की ने रवि नाम के व्यक्ति का भी खुलासा किया था कि रवि नाम का व्यक्ति मेरा गोली मारने वाला था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो संभल में जो 5 आदमी लड़की बताई थी उसमें कोई इंक्वायरी नहीं करी पुलिस वालों ने कभी। तेजपाल किठोली गाँव का है और मेरे ताऊ का लड़का है, जिससे की दरोगा से 60-गांठ करके ये जब अंजाम दिया लड़की के साथ में इनने। देखिए, एक कोई पुराना प्रकरण है जिसमें महिला का ये आरोप है, वो एक वीडियो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कहीं पे, वो वीडियो हम लोग तक मीडिया के माध्यम से लाया गया है। उसमें उनका ये कहना है कि कोई सब इंस्पेक्टर थे, पुराना कोई प्रकरण है जिसमें उनसे कोई विवाद था, उस सब इंस्पेक्टर पर कोई मुकदमा कायम कराया गया था, फिर उसमें पता नहीं क्या हुई। इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर हमसे मारपीट की गई, जो मारपीट करने वाले लोग थे उनका संबंध उन्हीं से था। ये संज्ञान में मामला आया है, हमने इंस्पेक्टर टीपी नगर को बोला है कि इसकी जांच करके और मुझे इसकी रिपोर्ट भेजें, हम लोग उसके रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेंगे। महिला का कहना है कि दरोगा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इसकी जाँच हो जाएगी, इसलिए तो मैंने इंस्पेक्टर टीपी नगर को बताया है, वो जाँच कर लेंगे और जाँच में जो चीज़ आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई।